अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये देखें, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन जो है ना उसका हलवा। तो उसके लिए मैंने जो है ये एक कप मेजरमेंट कर ली है। तो मैं जो है ना अब कढ़ाई के अंदर ये बेसन ऐड करूँगी, ठीक है। इसको छान लूँगी अच्छे से और ये बेसन ऐड करूँगी, ठीक हो गया। इसको मैं छान लूँ। अब ये देखिए, हमने बेसन जो है उसको छान लिया है। तो अब हम इसमें इतना यही कप जो है ना पैमाइश करके घी का ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको खुले घी में हम भूनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। मैं ज़रा ये साफ़ कर लूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने जो है ना इसको अच्छे से मतलब इसको साफ़ कर दिया। ये देखिए धो लिया, और क्योंकि हम अपने इसी से ही चीनी की पैमाइश करनी है। तो ये देखिए, अब बेसन जो है हमारा उसकी भुनाई स्टार्ट हो चुकी है। अब बेसन की मैंने भुनाई शुरू कर दी है। इसको हमने तब तक इसकी भुनाई करनी है कि जब तक इसकी खुशबू हमें आ जाए, ठीक है। इसकी खुशबू आएगी तो तब हम इसको इसमें हम चीनी ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे। ये छोटा कप जो है ना ये फरमाइश कर लिया मैंने, ये बड़ा कप मैंने बेसन का लिया था जो कप मैंने चीनी से भी दिया। और ये जो है ना मैंने अब सूजी इसमें डाल देनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो थोड़ी सी सूजी इसमें मैं छान लूँ, ये इसके अंदर छान कर ना फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं। सूजी देखिए मैंने छान ली और मैंने इसके अंदर अब वो भी ऐड कर दिया, ठीक हो गया। और अब हम इन दोनों को अच्छे से इसकी भुनाई हम दोनों की भुनाई करेंगे। देखिए बेसन का हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया और उसकी खुशबू भी आ रही है। लेकिन हम इसको अभी मज़ीद 3-4 मिनट और इसकी भुनाई करेंगे, जब इसके जब तक इसके ये बबल्स जो है ना वो ख़त्म ना हो जाए और इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अभी इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हुआ, अभी हमारी सूजी जो है ये सूजी और बेसन जो है वो अभी थोड़ा सा कच्चा है। हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे और इनकी खुशबू भी आएगी। देखिए माशाल्लाह इसका कलर चेंज हो गया। अब अगर हम इसको मज़ीद लेके जाएंगे ना भुनाई की तरफ तो ये जो है ना डार्क हो जाएगा कलर ज़्यादा, ठीक है। अब हम जो है इसमें अपनी चीनी ऐड करेंगे। देखिए फ्लेम थोड़ी सी हम लो कर देते हैं, फ्लेम हमने थोड़ी सी मीडियम कर ली है, बिल्कुल मतलब वो दम वाली जो होती है ना वो। तो चीनी ऐड करेंगे, चीनी ज़रा मोटे वाली है तो मैंने थोड़ी सी रख ली है और थोड़ी सी ऐड की है। अब हम पहले चीनी मिक्स करेंगे। ये देखिए इसका माशाल्लाह से कलर आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा हो गया। चीनी पहले हमने इसमें डिज़ोल्व कर ली है अच्छे से, ये देखिए ठीक हो गया। अब हम इसमें पानी मिक्स करते हैं। पानी ये देखें एक जा रहा है हमारा, पहले हमने एक कप इसमें ऐड किया, पहले हाथों को बचा लीजिएगा ब्राई मेहरबानी। फिर अब हम इसमें दूसरा ऐड करेंगे कप, ठीक हो गया। अगर आपने इसको मतलब जिस तरह वो होती है खड़ी खड़ी सी वैसे रखनी है तो आप दो कप पानी इसमें ऐड कर लें, अदरवाइज़ हम थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लेंगे। चल अब हम इसका पानी जो है वो अच्छे से इसमें अब्सॉर्ब कराएंगे और हमारी हलवा जो है ना बेसन और सूजी का हलवा तैयार हो गया है, ठीक हो गया। मैं इसकी जो है ना वो टुकड़ियाँ इसकी बनाऊँगी, टुकड़ियाँ इसकी बच्चों के लिए सिंपल अलहदा निकाल लूँगी और मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए इसकी टुकड़ियाँ बनाऊँगी, उसमें मैं कुछ नट्स वगैरह ऐड करूँगी। ये देखें इसने बर्तन को छोड़ दिया है माशाल्लाह से, ये देखें बिल्कुल भी बर्तन के साथ नहीं चिपक रही, ये देखें ठीक है। ये देखें ये देखें ठीक हो गया, ये देखें नहीं चिपक रही, तो इसका मतलब है हमारा हलवा जो है अब ये
डन हो चुका है, मतलब बेसन और सूजी की बर्फी। ये देखिए मैंने इधर इसको फैला दिया इस तरीके से, ठीक है, ट्रे में अच्छे से। तो अब मैं जो है ना आपको बताती हूँ मैं क्या करूँगी। इसी में मैं दो पोर्शन बना दूँगी, जिसमें से ये देखिए इतना सा पोर्शन मैं बना रही हूँ। ये पोर्शन जो इधर मैंने सेपरेट कर दिया ये बच्चों के लिए, और जो इधर है ये मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए है। और मैं इसकी अगर दिल किया तो मैंने इसकी अभी से पीसेस बना देने हैं, ठीक हो गया। अभी अभी आप इसके पीसेस बना लें, ऐसे ऐसे ठंडे होंगे तो आराम से उठा लेना, ही तो ठंडे होने पर कर लें, गर्म गर्म ऐसे ठीक है। मैंने इसके अभी भी पीसेस बना लेना और उसके ऊपर नट्स लगा देने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी प्यारा, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। किसी के ऊपर मैंने साबुत या अखरोट लगा दिए हैं, सॉरी वो काजू लगा दिए हैं, और साबुत ही बादाम लगा दिए हैं, ठीक है। बच्चों वालों को मैंने ऐसे छोड़ दिया है।